आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बेलाइकन को प्रेस करना ना भूलें गुरुवार को बसपा के सभी जिला अध्यक्ष और मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ तलब किए गए चुनाव के संबंध में पार्टी सुप्रीमो सभी पदाधिकारियों को अहम संदेश दे सकती हैं पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर होने वाली इस बैठक में भाग लेने के लिए आगरा के पदाधिकारी लखनऊ रवाना हो गए हैं आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए रोड मैप तैयार करने में जुटे नीले खेमे के पदाधिकारियों को बसपा अध्यक्ष मायावती अहम संदेश देंगी जिसके लिए पार्टी के प्रदेश भर के सभी जिलाध्यक्ष और मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ तलब किए गए हैं गुरुवार सुबह दस बजे ऐसी होने वाली इस बैठक में भाग लेने के लिए सभी प्रमुख पदाधिकारी प्रत्याशियों के साथ ही हर विधानसभा सीट के जातिगत समीकरणों के साथ लखनऊ रवाना हुए हैं आपको बता दें कि बसपा ने आगरा की नौ में से आठ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है जिन आठ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा बसपा ने की है उन सीटों पर कभी न कभी नीला परचम फैर चुका है जिनमें से आगरा ग्रामीण एतमादपुर और आगरा छावनी सीट बसपा तीन तीन बार जीत चुकी है जबकि फतेहाबाद बहा खेरागढ़ और आगरा दक्षिण से एक एक बार हाथी का महावत विधानसभा की दहलीज लांगने में सफल रहा है वहीं फतेहपुर सीकरी सीट पर वर्ष 2007 और वर्ष 2012 में नीला परचम फहर चुका है आगरा में बैसे बहुल उत्तर सीट पर बसपा की सोशल इंजीनियरिंग अभी तक परवान नहीं चढ़ सकी है इस बार पार्टी ने सभी सीटों पर नए उम्मीदवारों पर दांव खेला है पार्टी ने ऐतमादपुर विधानसभा सीट से सर्वेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है जबकि आगरा कैंट से डॉक्टर भारतेंदु अरुण आगरा दक्षिण से रवि भारद्वाज आगरा ग्रामीण से करण केसरी फतेहपुर सीकरी से डॉक्टर मुकेश राजपूत खेरागढ़ से गंगाधर कुशवा फतेहाबाद से सैलू जादौन बहा से नितिन वर्मा और आगरा उत्तर से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है विजय बघेल सी न्यूज आगरा